कुलभूषण जाधव मामले में भारत आज अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में दाखिल करेगा निवेदन पत्र। भारत आज अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में पाकिस्तान में मौत की सजा पाए रिटायर्ड सैनिक अधिकारी कमांडर कुलभूषण जाधव के मामले में एक मेमोरियल यानी निवेदन पत्र दाखिल करेगा। इस मेमोरियल में भारत कुलभूषण मामले में पाकिस्तान के हर झूठे को एक-एक कर बेनकाब करेगा। पाकिस्तान की ओर से कहा जाएगा कि किस तरह उसने गिरफ्तार किया, लेकिन भारत की ओर से कहा जाएगा कि किस तरह पाकिस्तान ने कुलभूषण मामले में अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदों की धज्जियां उड़ाई हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत एक बार फिर कुलभूषण मामले में राजनयिक एक्सेस दिए जाने की मांग करेगा और बताएगा कि कुलभूषण से मिलने की इजाजत न देकर पाकिस्तान सरेआम वियना समझौते का उल्लंघन कर रहा है। भारत यह दोहराएगा कि पाकिस्तान ने एक सुनियोजित साजिश के तहत कुलभूषण जाधव को ईरान से अगवा कराया है। पाकिस्तान की सेना के कोर्ट में सजा से पहले उसको कोई वकील भी मुहैया नहीं कराई गई और न ही उसका पक्ष सही तरीके से कभी सुना गया। यह सब कहते हुए भारत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुलभूषण की रिहाई की मांग करेगा। इसके बाद पाकिस्तान भी 13 दिसंबर को अपना मेमोरियल दाखिल करेगा। कोर्ट ने 16 जून को भारत को यह मेमोरियल दाखिल करने के लिए 13 सितंबर और पाकिस्तान को 13 दिसंबर का दिन दिया था। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज तक कह चुके हैं कि पूरे देश की भावनाएं कुलभूषण जाधव के साथ जुड़ी हैं और उसको रिहाई के लिए भारत हर संभव कोशिश करेगा। धन्यवाद।